अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपने अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये देखिए, आज रात के 12 बज गए हैं, 12 से कुछ ज़्यादा ही हो गया है। मेरे हस्बैंड कपड़े जो है सारे प्रेस कर रहे हैं, खुद के भी और मेरे भी, क्योंकि मैंने अपने 2 जोड़ी कपड़े सिले हैं घर में। तो यह सारा सामान जो बिखरा पड़ा हुआ है मैं सारा सेट कर लूँगी रात में ही, क्योंकि कल मुझे जाना है मम्मी के घर और मैं जा रही हूँ 1.5 साल बाद। काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो आज इस वीडियो में पैकिंग से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेगी और साथ ही साथ मैं आपके साथ ना एक और चीज़ शेयर करूँगी, वो है नेबुलाइज़र। ये होता क्या है मैं पहले आपको बता देती हूँ। ये बच्चों का जब सर्दी जुकाम हो जाता है ना, बच्चों की नाक बंद हो जाती है, सांस अटक जाती है, तो ये मशीन के द्वारा ना मेडिसिन अंदर दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है वो डेमो भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था, 1 हफ्ता पहले परचेज़ किया था। और इसको मैंने एक बार यूज़ करने के बाद मैं आपके साथ ये जो चीज़ें हैं ना शेयर कर रही हूँ, इसलिए इसका वायर जो है इस तरीके से लपटे हुए आपको देखने को मिले हैं। और इसके अंदर ये ब्लू कलर के अंदर ये बॉक्स जो है ना, इसके अंदर ऐसे करके ये देखिए ये पाइप रहता है, इसके साथ मास्क लगा हुआ होता है जो कि बच्चे के नाक में लगाया जाता है। तो इसको कैसे यूज़ करना है मैं आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को सर्दी हो जाती है, मतलब यासिन के सर्दी हो जाती है, नाक बंद हो जाती है, तो डॉक्टर उसे रिकमेंड करते हैं कि नेबुलाइज़र इस्तेमाल करना। इसलिए रोज़ रोज़ मेडिकल स्टोर में जाके नेबुलाइज़र लगाना, उसमें पैसा भी खर्च होता है और समय भी काफ़ी लग जाता है। इसलिए हम लोग दोनों ने डिसाइड किया था कि एक ये चीज़ जो है मशीन परचेस करके रख लेते हैं घर में, ताकि किसी भी टाइम ज़रूरत हो तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी सारा पैसा भी हमारा बच गया है और बहुत काम आसान भी हो गया है, टाइम भी बच गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से वायर जो है ऐसे लगाना है, मतलब वायर नहीं सॉरी पाइप को इस तरीके से लगाना है और इसके अंदर मेडिसिन डाला जाएगा। तो मेडिसिन जो डालता है उसका एक क्वांटिटी के हिसाब है, जैसे कि 2 ml करके डाला जाता है। तो एक सिरिंज की मदद से ना 2 ml मेडिसिन लेके इसके अंदर मेरे हस्बैंड ये जो मेडिसिन है ये निकाल लेंगे, तो उसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इसके अंदर ये मेडिसिन डल गया है और आपको केयरफुली इसको ना अच्छे से बंद कर देना, ये प्लास्टिक है, ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करना है, अच्छे से इसको बंद कर देना है, नहीं तो ये दवाई जो गिरने का भी डर रहता है और काम भी नहीं करता। ये वाला इसका स्विच ऑन अप वाला बटन होता है, इसको आप ऑन कर दीजिए और ऐसे जब ऐसे स्टीम निकालने लगे ना, तभी आप बच्चों के नाक में इस तरीके से रखें। और ये अपनी मर्ज़ी से आप यूज़ नहीं कर सकते, अगर डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं बच्चे के लिए तो ये चीज़ आप ख़रीद के इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो कंपनी का एक्वाश्योर का कंपनी का मैंने लिया है, ये काफ़ी अच्छा है। ये देखिए, काफ़ी बच्चा रोता है लेकिन इसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ये कुछ नहीं बोलता है, रोता भी नहीं है, फुल इंजॉय करता है। बस आपको ये ध्यान रखना है 2 ml ही इसमें मतलब डालना है। और इसमें कैसे आवाज़ आती है मोटर चलने की, वो मैं आपको अभी दिखा। ये वाला वीडियो नेक्स्ट डे का है, मॉर्निंग का, मतलब 11 बज गए हैं, हम सारे लोगों ने जो नहा के पूरा तैयार है और अभी जो है खाना खा रहे हैं हम लोग। खाने में है चावल, आलू भरता और लेफ्टओवर सब्जियां थी परवल आलू और प्रॉन मछली की, तो उसी से हम लोग खाना खा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। मैं खाना खाने बैठूंगी, देखिए यासिन मेरा हाथ पकड़ के रखा है। तो खाना खाने के बाद देखिए ना, मैंने यासिन का बैग पैक करने के लिए उसका बैग निकाल के रखा है और इसके कपड़े सारे तय करके रखे हुए हैं, अभी बस बैग में भरना है। तो उससे पहले मैं डायपर निकाल रही हूँ, डायपर इसके अंदर रखूँगी सबसे पहले, ताकि अगर रास्ते में ज़रूरत पड़े मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। और ये मदरली बैग है, इसका रिव्यू मैं शेयर करूँगी आपके साथ, इसमें काफ़ी स्पेस है बच्चों के लिए, ये बैग जो है ना डायपर बैग बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसका मतलब मैं सारा कपड़ा जो है फुल स्लीव और हाफ स्लीव सारे लिए हैं, क्योंकि मम्मी के घर खुले में है तो वहाँ पर हवा भी ज़्यादा चलती है और अभी बारिश का मौसम भी आ रहा है, बारिश होगी तो काफ़ी सर्दी भी लग सकती है बच्चों की, इसलिए मैं सारा इंतज़ाम जो है करके जा रही हूँ। तो इसके लिए देखिए बॉडी वॉश और शैम्पू वगैरह मैं ले रही हूँ, साथ में ऑयल भी मैंने लिया है, पाउडर तो लेना ही लेना है, कोई भी एक चीज़ भूले ना, इसलिए बैग में भरने से पहले सारा सामान को ना मैंने बेड पे रख दिया था, ताकि एक एक करके मैं उठाती जाऊँ और बैग में कवर करती जाऊँ।
वहाँ पर नसरिन के हेयर में टाई कर रही हूँ। अच्छा, तो अलीशा और नसरिन बिल्कुल रेडी हो गई है, उनके हेयर मैंने बांध दिए हैं और अभी यासिन के कपड़े पहनाना बाकी है। सारे बैग हमने पैक कर लिए हैं और अलीशा नसरिन का जो बैग है वो उनके रूम में है, जाते समय ले लेंगे, और यासिन का भी मैं कपड़े पहना दूँगी। तो ये देखिए यासिन भी रेडी है, इनके ये कपड़े ईद का कपड़ा है, ईद पर मैंने नहीं पहनाया था, ईद पर मैंने कुर्ता पहनाया था, और आज नानी के घर जा रहे हैं तो आज मैंने ये नया वाला ड्रेस इसको पहनाया। तो गाइस चलते हैं, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद, मतलब जब तक हम नीचे उतरते हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं, हमारी गाड़ी जो है आ रही है, तो नीचे हम लोग खड़े हैं वेट कर रहे हैं। गाइस आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मम्मी के घर जा रहे हैं तो हाथ में इतने सारे बैग क्यों है, तो लेके जाना पड़ता है कुछ ऐसे सामान होता है, जैसे हम लोगों का चप्पल वगैरह है तो उसमें बैग में हमने भरे हैं, तो इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। इग्नोर करें, जो भी आपको ख़राब लगे आँखों में इग्नोर करें, और हम तो ब्लॉग करते हैं ना, हम हकीकत जो है वो आपके सामने लाना चाहते हैं, जो सच है। हम झूठा मोटा कोई भी चीज़ आपको शो अप नहीं करना चाहते, आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। मन में बहुत खुशी हो रही है, मम्मी के घर जा रही हूँ, 1.5 साल हो गए मैं मम्मी के घर नहीं गई हूँ, तो बहुत खुश हो रही हूँ, बहुत मन में खुशी है, एक्साइटेड बहुत है। सोच रहे हैं कि 1 महीने रुकेंगे, लेकिन देखते हैं वहाँ जाके क्या होता है, कितने दिन हम रुक सकते हैं, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टी भी है, समर वेकेशन। तो बस अभी फ़ोन आया था ड्राइवर का, अभी आने वाली है गाड़ी, तो गाड़ी हमारी आ गई है, अभी हम लोग निकलेंगे। तो आप लोग दुआ कीजिएगा हमारे के लिए, हमारा सफ़र अच्छा कटे, और मैं आपको दिखाती जाऊंगी, रास्ते में वीडियो भी बनाती जाऊंगी रोड का, मैं किधर से हम लोग जाते हैं, कैसा रूट होता है, तो वो पार्ट 2 के हिसाब से मैं अपलोड करूंगी, और ये पार्ट 1 के हिसाब से अपलोड होगा, क्योंकि क्या है ना, ये सफ़र वाला वीडियो जो है काफ़ी लंबा होता है और मेरा मोबाइल में उतना स्पेस भी नहीं है। तो आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा गाइज, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में।